Hello everyone, Is Ripple Sa once again from London, uh, regarding the one of the rumors is spreading at the moment on social media that uh, one of the newspaper Gujarati newspaper in India, uh, they put it on the news that one of the airlines, they're going to start the offer from August 2022, uh, the prices are 20,000 rupees for India to UK route, the flight ticket price is 20,000 rupees or so it means almost 200 pound for return ticket. I'll tell you now या तो ये मैसेज गलत है या तो इनकम्प्लीट है इट इज़ इम्पॉसिबल टू हंड्रेड पाउंड में पॉसिबल ही नहीं है इंटरनेशनल टिकट इंडिया से यूके की द रीजन आई एम टेलिंग यू कि टिकट की जो प्राइस होती है उसमें ब्रेक डाउन होता है तो हमको तो पता नहीं होता है जिसको भी हम टिकट जो भी आप लोग बाय करते हो टिकट हम लोग बाय करते हैं तो हमें पता है कि वो सिक्स हंड्रेड पाउंड की टिकट है लेकिन उसमें प्राइस ब्रेक डाउन होता है बेस फेयर होता है टैक्स होता है एट्रोल चार्जेस होते हैं तो सब मिला के फिर उसका प्राइस होता है तो जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं बता दूँ आपको कि आप जो भी इंडिया की टिकट बाय करते हो तो उसमें जो टैक्सीस है तो टैक्स का जो अमाउंट है वही थ्री हंड्रेड प्लस है थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी पाउंड लाइक दैट अप्रोसीमेटली तो अगर टैक्स की अमाउंट ही थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी पाउंड है ऑलमोस्ट थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज तो ट्वेंटी थाउजेंड में कौन आपको ले जाएगा तो फेयर कहाँ गया इट इज इंपॉसिबल टैक्स ही पे करना है थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी पाउंड तो या तो, तो बेस फेयर है ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज न्यूज पेपर में लिखा है तो उस पे थर्टी फाइव थाउजेंड एड कर दो टैक्स का तो फिर हो गया फाइव फिफ्टी सिक्स हंड्रेड उसमें तो मिलता है टिकट तो इतने में तो तो ये इनकम्प्लीट मैसेज बताया गया या तो कम्प्लीटली मैसेज ही रॉन्गे तो ये चक्कर में मत रहना कि ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ में टिकट मिल जाएगी तो अगस्त तक हम वेट करते हैं तो ये टू हंड्रेड पाउंड की टिकट का वेट करने में दो सौ और पॉकेट से ज़्यादा जाएगा प्राइस बढ़ जाएगा तो ये चक्कर में मत गिरना आई एम टेलिंग यू इज़ रॉन्ग न्यूज़ इज अ कंप्लीटली फैक्ट गलत है ये अनदर थिंग्स आई आई वॉन्ट टू एड इन दिस वीडियो के अब आपने न्यूज़ पेपर में भी देखा होगा यूके के न्यूज़ पेपर में इंटरनेट पर कई फ्लाइटें कैंसिल हो रही है डिले हो रही है तो ये सच है बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ स्टाफ कोविड सिकनेसिस दीपल आर ऑन हॉलीडे ऑन द एयरपोर्ट द पीपल आर वर्किंग देयर तो ये सही बात है फ्लाइट सभी फ्लाइट तो नहीं हो रही है कोई कोई हो रही है वीक में तो मैं स्ट्रांग सजेशन एक टिप देना चाहता हूँ ये वीडियो के जरिए अगर आप फ्लाई कर रहे हो फ्यूचर में कभी भी तो ये एक हैबिट रखी है आप कि जिसी भी एयरलाइंस से आपने टिकट बाई की है तो वो एयरलाइंस की वेबसाइट पर चले जाए फोर्टी आवर्स पहले या सेवेंटी आवर्स पहले क्लिक ऑन मैनेज माई बुकिंग पुट योर पी नंबर एंड फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड गो टू द मैनेज माई बुकिंग डबल चेक द टाइमिंग एंड डेट इफ दैट टाइमिंग एंड डेट मैच विथ योर ई टिकट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग अगर वो जो मैनेज माई बुकिंग में एयरलाइंस की वेबसाइट पर जो टाइम दिखा रहा है वो आपके ई टिकट के साथ अगर मैच कर रहा है वो टाइम तो आपको किसी को कॉन्टैक्ट करने की जरूरत नहीं है आपका, आपका जो फ्लाइट है वो ऑन टाइम है अगर उसमें कुछ डिस्टर्बेंसी आती है तो कॉन्टेक्ट योर ट्रैवल एजेंट एंड फाइंड इट आउट व्हाट्स गोइंग ऑन कि फ्लाइट का टाइम चेंज हुआ है या कैंसिल हुई है क्या हुआ है ये हैबिट रखो फॉर ये तो आप कभी भी एयरपोर्ट पर जाके परेशान नहीं होंगे प्लीज़ जितने भी मेरे व्यूअर्स है फॉलोअर्स है जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है ये वो ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ के चक्कर में मत पड़ना ये गलत है मैंने समझा दिया कि ब्रेकडाउन ही ऐसा होता है कोई एयरलाइंस लॉस करके तो ले कर नहीं जाएगी आपको यहाँ से इट इज इम्पॉसिबल और ये जो हैबिट है आपको मैनेज माई बुकिंग में टाइमिंग चेक करने की वो रखे हमेशा के लिए थैंक यू सो मच लाइक यू एंड लव यू ऑल माई सब्सक्राइबर बाय फॉर नाउ